चले पालकी तुम्हें कैसे कैसे क्षिप्रा नदी के उस स्थान पर जहाँ परंपरागत स्थान पालकी का है प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पालकी को सम्मान नदी तक लेकर आए। पूजन अर्चन होगा। एक बार फिर बहुत ही विहंगम दृश्य इस समय दिखाई दे रहा है श्री राम घाट का, जहां चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजित श्री महाकालेश्वर महाराज आ चुके हैं। उनके चरण पखारने के लिए पुजारीगण, पुरोहितगण और उन्हें पूजा प्रदान करने के लिए संपूर्ण जनता जनार्दन की ओर से प्रदेश के मुखिया वहां पर विराजित हैं, वहां पर आ चुके हैं सपत्नीक और गजराज पर ये मन महेश का विगम स्वरूप। ठीक इसके पीछे गरुड़ पर शिव तांडव स्वरूप में आज तीन स्वरूप में श्री महाकालेश्वर महाराज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। क्षेत्र से भी भोजन प्रदान किया जा रहा है। शिप्रा
और इस समय जो शिप्रा के तट पर पूजन अर्चन चल रहा है श्री महाकालेश्वर महाराज का चंद्रमणेश्वर स्वरूप का, तो मंत्रोच्चार की ध्वनि हमारे श्रद्धालुओं तक। इस समय घाट पर जो पूजन अर्चन चल रहा है उसकी ध्वनि हमारे श्रद्धालुओं तक, हमारे दर्शकों तक सुनाई दे रही होगी। स्पष्ट रूप से बहुत स्पष्ट ध्वनि और एक जीवंतता हमारे दर्शक महसूस कर रहे होंगे। हमारी कोशिश है कि हम दर्शकों के साथ साथ जो धनांकन भी है वो भी आप तक हम पहुंचा सके। इस समय ये दोनों दृश्य नदी के तट के हैं, जहां पर दाई ओर का दृश्य रथकाखाड़ा क्षेत्र का है और बाई और पालकी का पूजन अर्चन चल रहा है, बाबा महाकाल का पूजन अर्चन। सवारी मार्ग में विभिन्न स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से कहीं भजन, कहीं संकीर्तन, कहीं ओम नमः शिवाय के मंत्रों की अनुगूंज सुनाई दे रही है। हम यहाँ पर इस समय गोपाल मंदिर की प्राचीर पर हैं, जहाँ हमारा उद्घोषणा कक्ष श्री महाकाल भक्ति चैनल का, उसके ठीक नीचे श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो चुका है। वहाँ भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भजन और संकीर्तन की ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। Thank you.
के साथ है। और इसी के साथ पालकी को कंधों पर लेने का कारो द्वारा प्रयास प्रारंभ हो चुका है। महेश स्वरूप गजराज पर विराजित शिव तांडव स्वरूप गरुड़ पर, बस जय श्री महाकाल का उद्घोष होगा। पालकी को कंधों पर लिया जाएगा और पालकी पुनः मंदिर प्रांगण के लिए रवाना होगी। पालकी पुनः मंदिर प्रांगण के लिए शिप्रा के पावन तट से रवाना। सुंदर दृश्य इस समय पालकी में बैठे हुए श्री महाकालेश्वर महाराज, जो आज चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में उनका विग्रह रखा हुआ है। पांच बजकर तीस मिनट हुआ चाहते हैं, और यही वो समय होता है जब पालकी शिप्रा के तट से मंदिर की ओर लौटती है। वहीं ओर पालकी को घुमाया गया, उस मार्ग की ओर इंगित किया गया जो मार्ग रामानंद को होते हुए ढाबा रोड, सत्यनारायण मंदिर, गणगौर दरवाजा, कमरी मार्ग, ढाबा रोड, उसके बाद छत्री चौक, फिर द्वारकाधीश मंदिर, गुदरी चौराहा, पट्टी बाजार गुदरी चौराहा, उसके बाद कोट मुला होता हुआ पुनः मंदिर प्रांगण की ओर जब आग रहेगा लौटती हुई सवारी। पूरे जोश और खरोश, पूरे उत्साह, कहते हैं ना जिल ऑफ जिल एंड जिस, उत्साह के साथ न केवल शिव भक्त मंडलियां बल्कि जो श्रद्धालु, जो हमारे नागरिकगण, जो जनप्रतिनिधिगण आज सवारी में साथ साथ चल रहे हैं, उनके अंदर भी नसीब उत्साह देखने आ रहा है। हमारी कैमरामैन टीम द्वारा एक काम कट किया गया और दिखाई दे रहा है पूरा, जहां से पालकी को कंधों पर लिया वहां से लेकर जो रामानुज कोर के लिए जो मार्ग प्रारंभ होता है वहाँ तक का दृश्य एक ही शॉट में समायोजित करने का, संयोजित करने का प्रयास किया गया। तीन लेवल पर बैरिकेटिंग किया गया था इस बार सवारी में, ताकि श्रद्धालुओं को भी असुविधा ना हो, भक्तों को असुविधा ना हो, और जो परंपरागत पूजन होता है उसमें भी किसी प्रकार का विघ्न ना आए, असुविधा ना हो। घुड़सवारों को दल को आगे निकालते हुए, क्योंकि अगवानी करने के लिए यह दल रहता है, पुलिस जवानों का अपने अपने आयुध अपने अपने कंधों पर रखे हुए पुलिस जवान इस समय आगे बढ़ रहे हैं। उनके निकलने के बाद फिर पालकी का क्रम रहेगा, आगे चौकदार रहेंगे जो घोषणा करते हुए चलेंगे, छत्र रहेंगे, और इसी के साथ पालकी आगे की ओर। ये एक निर्धारित क्रम होता है। फिर एक बार बहुत ही लॉन्ग शॉट को बहुत ही अच्छे ढंग से संयोजित किया हमारी कैमरामैन टीम ने, जो उस समय वहां पर तैनात है। तीनों लेवल की जो बैरिकेटिंग की गई थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, पालकी दिखाई दे रही है, पुलिस जवान दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, वो समूह शिव भक्तों का, महाकाल के भक्तों का, जो सवारी के दर्शन करने के लिए, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप के दर्शन करने के लिए आज सवारी मार्ग के दोनों ओर खड़े हुए हैं। आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए श्रीमती मीनाक्षी। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये दृश्य इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन ने संयोजित किया है माँ शिप्रा के पावन तट पर लौटती हुई सवारी का दृश्य। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार हम उन्हें पुनः जानकारी दे दें कि ठीक 4 बजे
महाकाल मंदिर प्रांगण से यानी कोटी तीर्थ के पास सभा मंडपम से देवाधिदेव महादेव की पालकी का पूजन प्रारंभ होकर पालकी के लिए नगर भ्रमण की शुरुआत होती है। वहां पर प्रथम पूजन किया जाता है और इसके बाद अवंतिका नाथ का पूजन करने के बाद उन्हें रजत मंडित पालकी में आह्वान करके विराजमान किया जाता है। आह्वान किया जाता है कि हे अवंतिका नाथ, हे देवाधिदेव महादेव, नगर भ्रमण के लिए पधारे। और जिस तरह से एक राजा या महाराजा को सम्मान दिया जाता है, ठीक उसी तरह से अवंतिका नाथ, त्रिलोकी नाथ, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता भूत भावन भगवान महाकालेश्वर महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर देकर और उनकी पालकी की अगवानी करते हुए विभिन्न आला अधिकारी, पुलिस बैंड की टुकड़ियां, स्काउट और गाइड्स के विभिन्न लोग और इसके साथ ही स्वयं सेवी दल, विभिन्न प्रकार की भजन मंडलियां और नाचते और झूमते हुए गाते हुए भक्त और भक्त मंडलियां इस बात का संकेत देते हुए कि देवाधिदेव महादेव अवंतिका नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। एक बार पुनः एक बहुत ही सुंदर लॉन्ग शॉट हमारे कैमरामैन ने संयोजित किया, ये दिखाते हुए कि माँ शिप्रा का पावन तट दोनों ओर से हजारों हजार श्रद्धालु अपने मन में आस्था और विश्वास का भाव लिए हुए सिर्फ एक झलक भगवान महाकालेश्वर महाराज का, उनके दर्शनों की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज जैसा कि हमारे स्टूडियो में